हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो घर के कुछ सामान हैं जो ख़त्म हो चुके हैं तो बस वही लेने जाना है। और मैं राहुल के साथ जा रही हूँ क्योंकि संडे है तो आज वो घर में है। और हम देख रहे थे हम साथ साथ मूवी, जो हम सब की बहुत ही फेवरेट मूवी है और मुझे तो अच्छी ही लगती है वो मूवी। और बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा था इसलिए मैं यहाँ पर फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो और मैं वहाँ पता नहीं शूट कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन आके आप लोगों से मैं मिलूँगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, एकदम ज़्यादा सुबह नहीं है क्योंकि हमारा नाश्ता हो चुका है और राहुल भी अपने ड्यूटी में जा चुके हैं।
तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और मैं अभी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मेरे पास अभी कोई भी हरी सब्ज़ी नहीं है घर में, तो अभी मैं बना रही हूँ वड़ी की सब्ज़ी। ये आलू और वड़ी बनाऊँगी, तो हम ऐसा भी बना लेते हैं कभी। तो ये देखिए, उसके लिए मैं मसाला पीस के रखी हूँ, जिसमें अदरक लहसुन टमाटर और प्याज है इस मसाले में, और वड़ी निकाल के रखी हूँ, और आलू तो आपने देखा ही, और ये मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं फिर सब्ज़ी। और यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तो मैं उसमें जीरा अभी डाल दी हूँ, और उसके बाद ये जो मसाला पीस के मैं रखी थी उसे इसमें डाल दूँगी। तो और मसाले क्या है, अच्छे से पकने चाहिए। जब मसाला अच्छे से पक जाता है, जो प्याज का जो स्मेल होता है ना, और प्याज जो अच्छे से पक जाता है ना, तभी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस उसे थोड़ा सा पकाऊंगी, और उसके बाद इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। तो सूखे मसाले में वही रेगुलर के होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और उसे भी बहुत अच्छे से मिला दूंगी इसमें। तो क्या है कि मसाला जब अच्छे से पकता है ना, तभी सब्ज़ी का स्वाद अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसमें आलू मिक्स कर दूंगी। तो आलू क्या है, मसाले के साथ अच्छे से पकने लगेगा और अच्छा भी रहेगा। और बीच में बस इसमें नमक ऐड कर दूंगी। तो जल्दी से कोई भी सब्ज़ी हो या कुछ हो, तो नमक डालने से जल्दी से ही वो पकने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से पक रही है ये सब्ज़ी मसाले में। और जो बड़ी होती है ना, उसको थोड़े से तेल में मैं यहाँ फ्राई कर लूँगी, और इस तरह से फ्राई करने से बड़ियों का स्वाद और अच्छा आता है। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये सूखे होते हैं ना, तो बहुत जल्दी से जलने लगते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो देखिए बस इतना ही फ्राई करूँगी, और बस और ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगेगा। और इसे फिर मैं मसाले में, जो ये सब्ज़ी है उसमें इसे ऐड कर दूंगी। तो ये भी मसाले में थोड़ी देर पकेंगे, तो बस 2 या 3 मिनट इसे और पकाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मसाला पक चुका है हमारा, आलू भी हाफ पक गए हैं। तो बस इसे, और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए। तो देखिए बढ़िया यहाँ पर अच्छे से पक गई हैं, फूल गई हैं, और जो भी इसका रस है ना मसाले का, इसमें जा चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। कभी ऐसा होता है ना कि हरी सब्ज़ी खा खा कर हम बोर हो जाते हैं, तो बीच में अगर ऐसा कुछ चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये देखने से ही ये सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, बना कर देखिए, बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो मेरी यहीं तक थी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।